शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अजीब मनहूस आदमी, मैयत पे आया है किसी की, हंस रहा है। हेलो बेदर, ओ व्हाट अ चीता। हेलो बेदर, अरे ये तो डबल मनहूस निकला, मरने की हालत में तू खुद है, मुझे कोस रहा है। अरे बंदे मेरे से बात नहीं करो। अरे मनहूस इन्हें बदतमीज भी है। जो ही मोहल्ले वाला निंजा चाचा है, दिखने में किड़का लगता है लेकिन वो करता है अजीब केकड़ा बन जाता है। अरे तू समझने की कोशिश नहीं कर रहा यार, वो यही तेरे को कितनी बार समझा मैंने कि मैं सबके लिए मर चुका हूँ, सिर्फ तेरे लिए जिंदा हूँ। अरे भाई मुझे माफ कर यार, प्लीज माफ करो। वो अब ये करेगा माफ, कर ही समझता है, इसको करना ही पड़ेगा। अरे ये बुड्ढे को क्या हो गया यार, बुड्ढे को कुछ मैं बोल रहा हूँ इधर। अरे वो यहाँ था या नहीं था, मगर मेरे को क्यों मरवा रहे ले? निंजा चाचा अगर भड़क गया ना, लुंगी उठा लिया ना, लाशों के ढेर लग जाएंगे। उधर देख, उठा लिया, केकड़ा तैयार हो गया। अब हवलदार की खैर नहीं है, चलो चलो भागो। चाचा चाचा निंजा मान जा। अरे साहब बीमार है, गोली दिल पे लगी है, असर दिमाग पे हो गए ले। अरे भाई मान जा मेरे भाई, आप ही मैयत में आए ले, मैयत भाई भी जल रहे वहां पे। अरे आपको एक दिन जाना है मेरे भाई, पैर नीचे कर ले निंजा, लुंगी नीचे, ये भी। केकड़े चल बिल में, व्हील वाला कहाँ है? विशाल मेरी राय मानो, तुम कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लो। वैसे डॉक्टरों का भी यही मानना है कि तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। No sir, I would like to resume duty as fast as possible. Brave boy. Thank you sir. Hello brother. यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्या बकवास कर रहे हैं? मेरा ऑफिस है, मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो कौन रहेगा? बकवास मत कर। नहीं सर मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। देखो तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। एक कानून के हाथ कितने छोटे होते ना। उठ वहाँ से, बकवास करो तुम, तेरे से बात नहीं कर रहा हूँ। बट वो मेरे सीनियर ऑफिसर के साथ इस तरह बात करता है। सॉरी सर, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इससे बात कर रहा हूँ। अरे इससे तू समझाने की कोशिश मत कर, नहीं तो ये तुझे अस्पताल नहीं सीधा पागलखाने भेजेगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये क्या कर रहे हो? हिलना नहीं, चुप भी। देखो हिलना नहीं, तुम्हारे बाप की जगह हिलना नहीं, चुप भी। हिलना नहीं, सुनो, जान से काटूंगा। देखो बेटे, कानून को अपने हाथ में मत लेना, कानून को अपनी जेब में रख दो बेटे। अरे तेरे कानून का जो मत दिए, मैं जान से काटूंगा। मैंने मेरी जिंदगी हराम कर दी है। नहीं नहीं हिलना नहीं, नहीं बेटे, तूने मेरी जिंदगी हराम कर दी है। हिलना नहीं, हिलना नहीं। अरे कोई हट जा बेटे, जान से काट लो, इसको बाहर निकालो। अरे कोई हट जा, हट जा, इस पागल को बाहर निकालो। जान से काटूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या बकबक कर रहे हो तुम, जाओ ले जाओ, फिनिश खत्म। चलो ये पागल मर गया, कोई नहीं कोई नहीं बाबा, आ जा जा बाहर, आराम करो, पानी पियो। अरे साहब अब ये केस बंद हो चुका है, गड़े मुर्दे क्या उखाड़ रहे ले जबरदस्ती। तू नहीं समझेगा यार, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तू अपना काम कर। उम्र में भी क्या बैलेंस में खड़ा ये केकड़ा,
क्या बात है, क्या बात है, ये इसके आसन का टाइम है, अभी भूकंप भी आएगा ना तो ये हिलने वाला नहीं। अच्छा तो निकल, जब चलेगा ना तो इसका बाप भी हिलेगा। हेलो ब्रदर। अरे तू कहाँ कहाँ से टपक जाता है यार? अरे मैं आसमान से गिरा हूँ और खजूर में लटका हूँ। कड़वे, तू बस्ती गया तो मेरी इंक्वायरी करने? हाँ। अब तू मेरी हर बात मानेगा? हाँ मैं मानूंगा बाबा, तेरी हर बात मानूंगा। अरे जल्दी करो भाई, जल्दी स्कूल में तो रानी पढ़ाती है क्या? अरे भाई चलो ना। तो क्या पोजीशन है? गंभीर है, एब्सोल्युटली सीरियस। ये लोग है कौन और चाहते क्या है? ये तो मालूम नहीं कि लोग क्या चाहते हैं, लेकिन इतना मालूम है कि ये लोग चेक नाका तोड़कर भागे और हमारे अफसर से उनका बहुत पीछा किया, लंबी चेज हुई, फिर अपनी जान बचाने के लिए स्कूल में घुस गए जहाँ पे 30-40 मासूम बच्चे हैं, 3-4 टीचर्स हैं। कड़वे, तेरे को एक आसान तरीका बताऊं? क्या? इस पदोड़े का तोप फैना उस तरफ घुमा स्कूल की तरफ, और इसको बोले एक लंबी छोड़ने को, सबके सब 2 सेकंड बाहर आ जाएंगे। लेकिन इससे बच्चे भी तो मर जाएंगे। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन सर, वी शुड टेक सम एक्शन। तो तुम्हें क्या लगता है, है? मैं यहाँ पे लंबी लंबी छोड़ने आया हूँ? जी 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 नहीं सर, तुम जानते नहीं वो लोग बहुत खतरनाक है, उनके पास राइफल्स है। वो तो हमारे पास भी है सर। अरे उनके पास सोफिस्टिकेटेड ऑटोमेटिक पिस्टल्स है। तो हमारे पास भी है सर। अरे उनके पास डेंजरस बम है। आपसे बड़ा बम किसी के पास है? हटेला, मैं कहाँ तक हटूँ सर? सर मैं अंदर जाना चाहता हूँ। नो नो विशाल, मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी नहीं सौंप सकता, क्योंकि तुम जानते नहीं वो लोग बहुत ही खतरनाक है। अगर तुमसे एक छोटी सी गलती भी हुई ना तो उन सब मासूमों की जान जा सकती है। सर आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं सिचुएशन को अच्छी तरह हैंडल कर सकता हूँ। नो, वो लोग खतरनाक ही नहीं, चालाक भी है। अरे उन लोगों ने स्कूल की हर खिड़की पर काले पर्दे डाल दिए ताकि हमें ये पता न चले कि अंदर क्या हो रहा है और पोजीशन क्या है। अडेला। उठाओ मेरी मौत का फायदा।